हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। मैं बीएल गुप्ता आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज क्लास इलेवेंथ के लिए स्टूडेंट्स हम एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल नाम के लेसन के जो स्नैपशॉट्स में आपका दे रखा है लेसन, उसके आज हम आपको सभी को शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। आज से पहले हमने प्री वीडियो में इसी लेसन का एल्बर्ट आइंस्टीन नाम का जो करेक्टर स्केच है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखें। और इसी वीडियो के एंड में आपको मैं इसकी लिंक भी सेंड करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहूंगा कि वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन के सभी के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं विद हिंदी, हिंदी एक्सप्लेन के साथ। हिंदी समझाएंगे, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ आइंस्टीन रिगार्डिंग एजुकेशन, शिक्षा के संबंध में आइंस्टीन के क्या दृष्टिकोण था। आइंस्टीन व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल व्यूज रिगार्डिंग एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मामले में आइंस्टीन का जो दृष्टिकोण था वो पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था बच्चों, डिफरेंट था। ही डज नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वह किसी भी डेट्स को, तारीखों को याद करने में कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं चाहता था कि वो कोई लर्न करे डेट्स हिस्ट्री की। वन कैन लुक देम अप इन ए बुक, क्योंकि उसके अनुसार वो सोचता था कि ये डेट्स तो सभी किताब में एक व्यक्ति देख सकता है इनको। ही डज नॉट लाइक टू लर्न फैक्ट्स, वह तथ्यों को भी अच्छी तरह से सीखना नहीं चाहता था, वह नहीं सीखता है उसमें लेसन में। फॉर आइंस्टीन इट इज आइडिया दैट मैटर, आइंस्टीन के लिए तो केवल विचार ही है जो ज़्यादा मायने रखता है, मैटर करता है। इट इज नो यूज ऑफ लर्निंग डेट्स ऑफ बैटल्स, और उसके अनुसार वो कहता था कि युद्धों की, लड़ाइयों की तारीखों को याद करने का क्या फ़ायदा है, इनको याद नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लर्निंग रोटिंग सिस्टम के खिलाफ था, रटने की प्रवृत्ति को वो पसंद नहीं करता था, वो समझने की करता था। इसीलिए उसके एक और मैथ्स के कोच थे, वो उसके मैथ्स टीचर थे जो मिस्टर कोच थे, वो कहते थे कि ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रतिभा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, यह एक दिन बहुत अच्छा और बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति बनेगा। और इसके विपरीत मिस्टर ब्राउन जो थे, उसके जो टीचर थे हिस्ट्री के, वो उनका मानना था कि ये उनको बहुत परेशान करता है, यह पढ़ने नहीं देता किसी को, वरना स्वयं ही पढ़ता है। अब देखिए दूसरा, हु वॉज हिस्ट्री टीचर, उसके हिस्ट्री टीचर कौन थे बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन के, और उनका उसके बारे में क्या राय थी। मिस्टर ब्राउन वॉज द हिस्ट्री टीचर ऑफ आइंस्टीन, मिस्टर ब्राउन थे उसके इतिहास के, हिस्ट्री के टीचर। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार बच्चों आइंस्टीन वॉज एन अनग्रेटफुल बॉय, आइंस्टीन एक कृतघ्न लड़का था, एंड ओट टू बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वो कहते थे इसे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ही हैड ए बैड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ आइंस्टीन, उनका एक बहुत ही बुरा अनुभव था आइंस्टीन के लिए, उसकी क्षमताओं को अगर वो देखें तो उनका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा था एल्बर्ट आइंस्टीन का, उसके साथ सेटलमेंट नहीं हो पाता था। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट देयर वॉज नॉट एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, लर्निंग डेट, डेट को याद करना कोई उसके अनुसार कोई पॉइंट नहीं है, उसकी कोई महत्व नहीं है, तो ये किस प्रकार उसने ये बात कही। एल्बर्ट आइंस्टीन डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, एल्बर्ट आइंस्टीन को डेट याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उसको सीखना भी नहीं चाहता था। एज वन कैन ऑलवेज लुक देम अप ऑन ए बुक, क्योंकि वो कहता था कि डेटों को तो केवल हम बुक में भी देख सकते हैं, तो लर्न करने की क्या जरूरत है, केवल समझना चाहिए। एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई सोल्जर्स ट्राई टू किल ईच अदर, उसका तो केवल इसी बात में इंटरेस्ट था इस लेसन के अनुसार कि सैनिक एक दूसरे को क्यों मारते हैं, तो ये उसका अपना दृष्टिकोण था, वह इन सबके रोटिंग सिस्टम के, लर्न करने के सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ था। अब आते हैं हु वॉज एल्सा, इस चक्र में एक एल्सा का रोल भी है, एल्सा कौन थी, व्हाट डिड सी टेल टू आइंस्टीन, उसने आइंस्टीन से क्या कहा। बच्चों एल्सा वॉज कजिन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्सा जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टीन की चचेरी बहन थी।
who had come to Munich. वो म्यूनिक आई थी क्योंकि म्यूनिक में ही वो स्टडी करता था. नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, ज़्यादातर वह बर्लिन में ही रहती थी. बच्चों सी टोल्ड आइंस्टीन दैट, उसने आइंस्टीन को बताया. क्या बताया था बच्चों? शी वॉज श्योर ही कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन, कि वह उसे पूरा भरोसा था, अर्थात उसकी सिस्टर को पूरा भरोसा था कि एल्बर्ट आइंस्टीन भी परीक्षा को अच्छी तरह से पास कर सकता है. उसमें इतनी ज्ञान है कि वो किसी भी परीक्षा को पास कर सकता है इफ ही ट्राइड, अगर वो कोशिश करे तो. शी न्यू लॉट्स ऑफ बॉयज, और उसने उसको ये भी बताया आइंस्टीन को कि वो ऐसे बहुत से लड़कों को जानती है हु आर मच स्टूपिड, वो अगर तुम्हारी अपेक्षा अर्थात आइंस्टीन की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड थे, मूर्ख थे, फिर भी दे गॉट थ्रू, फिर भी वो जीवन में सफल हुए. तो दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन एट क्वेश्चन. सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सभी ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, और सभी बच्चे इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ 11th क्लास. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस हार्ड, यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन दीज क्वेश्चंस. माय लेक्चर इज ओवर, आज का वीडियो मेरा यहीं फिनिश होता है, और इसके साथ में मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टीन का भी करेक्टर स्केच आपको इसी के एंड में वीडियो के अभी आपको आप सामने देखेंगे तो वो मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आएंगे अच्छे वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट. थैंक यू वेरी मच.